हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बात क्योंकि चुनावों को लेकर की जा रही है। दरअसल चुनावों से पहले हर वर्ग को साधने के लिए हर नेता कोशिश कर रहा है और ऐसे में श्रमिकों को साधने की कोशिश भी हर तरीके से की जा रही है। और इसी कोशिश में कैथल में हुए श्रमिक सम्मेलन में श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नमो टीवी के जरिए पीएम मोदी के 5 साल में किए गए विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नायब सैनी ने कांग्रेस और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने इन दोनों पार्टियों को नकार दिया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोही कानून को खत्म करने वाले वादे पर सैनी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है, ये लोग देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है और जिस प्रकार से उन्होंने जो पीछे हमारे देश की आर्मी ने जो पाकिस्तान से अप्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया है और उसके भी सबूत मांगते हैं, इससे हमारा कहीं ना कहीं देश कमजोर हो रहा है और ये लोग देश की कमजोरी में काम कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है, समझ रही है और इसी प्रकार का इन्होंने पहले जो पोटा को हटाया था और टाडा को हटाया था और अब अफसफा को भी ये हटाने की बात कर रहे हैं, ये देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं।